हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले हमने चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर और व्हेन देयर इज अ चार्ज मूविंग थ्रू एनी कंडक्टर, सो वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स की वजह से भी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। सो दीज आर सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इन दिस सेशन वी आर हैविंग दीज 4 टॉपिक्स, so we'll study these topics one by one. so let's introduce what is magnetism. so आप सभी ने नाम सुना है, what is magnetism? magnetism is the phenomena of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt, etc. magnet आप सबने देखा हुआ है, ठीक है? so a body possessing the property of magnetism is called a magnet. magnet आप सबने, I am sure आपने अपनी life में magnet experience किया होगा कभी ना कभी। आजकल फ्रिज मैग्नेट्स भी आने लग गए हैं, अलमीरा पे जो लगती हैं वो भी मैग्नेट्स आने लग गए हैं। उससे पहले हमने सिंपल स्पीकर में भी देखते हैं अपने मैग्नेट, ठीक है? सो बॉडी प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। और मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। सो अर्थ इज नेचुरल मैग्नेट। अर्थ भी जो है हमारी एक तरह की वो नेचुरल मैग्नेट है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है कुछ, उसके बारे में हम बाद में इस चैप्टर में बात करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑन अदर मैग्नेट्स एंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो जनरली हमारे पास जो हमारे को मिलता है दैट इज नेचुरल मैग्नेट, बट नेचुरल मैग्नेट जनरली स्ट्रांग नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। सो व्हाट आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? द पीस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। मतलब उसको कुछ प्रोसेस से उस जो आयरन के पीसेज हैं या और मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं, बट उनका नेचुरली मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टीज को हम उसमें इनकलकेट करते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रांग मैग्नेट्स बनाने के लिए। सो दीज दोज मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सो दीज आर सम टाइप ऑफ मैग्नेट्स। दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास निडल, आप सबने देखा होगा। दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट एंड दिस इज बॉल एंडेड मैग्नेट, क्लियर? तो जनरली हमारे पास लैब्स में ये बार मैग्नेट रहता है या ये मैग्नेटिक कंपास निडल रहता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। बार मैग्नेट आपने एक्टिविटी भी की होगी लोअर क्लासेस में कि बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है? किस पैटर्न में अरेंज होती हैं? जैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उस पैटर्न में अरेंज होती हैं। सो मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। और मैग्नेटिक पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ही होती है। सो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट है और मैं उसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो वो अलाइन होके कहाँ जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी, है ना? अलाइन इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर जब मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा उसमें और क्लियर होगी ये बात। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये पता है हमें, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब जैसे हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, हमने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज टेक अ पॉजिटिव चार्ज या टेक अ नेगेटिव चार्ज, हम एक चार्ज आइसोलेटेड चार्ज की बात करते थे, ठीक है? बट ऐसे ही हम ऐसा नहीं बोल सकते टेक अ नॉर्थ पोल, कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर्स में होंगे। मतलब अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसके साथ साउथ पोल भी जरूर होगा, ठीक है? सो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जस्ट लाइक वी हैव अ सिंगल चार्ज, वी डू नॉट से वी हैव अ सिंगल पोल, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसा नहीं होगा, हमेशा नॉर्थ के साथ साउथ पोल होगा जरूर। सो अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्लेस्ड नियर इट। तो अगर हमारे पास मैग्नेट है और हम उसको दूसरे सब्सटेंस के पास ले जाएं तो वो उसमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ा जाएगा। सो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ पावरफुल मैग्नेट प्लेस्ड नियर सॉफ्ट आयरन बार, अगर आयरन का बार है, सॉफ्ट आयरन एक तरह का मेटीरियल होता है हमारे पास, अगर हम उसके पास मैग्नेट ले जाएं सॉफ्ट आयरन बार के, सपोज ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन बार है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है,
अगर मैं इसको इस सॉफ्ट आयरन बार के पास ले जाऊं तो अपने आप यहाँ इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाएगा सॉफ्ट आयरन बार में, और ये क्या बन जाएगा, उसके पास वाला साउथ पोल बन जाएगा और इससे ऑपोजिट क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द बार मैग्नेट। आपने ऐसा देखा होगा मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सेपरेटेड नॉर्थ पोल होगा या सेपरेटेड साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो अगर हम बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस मैग्नेट है तो उसके लिए हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा। हम जनरली, हमारे पास नोशन क्या होता है एक लेमैन लैंग्वेज में कि अगर वो आयरन को किसी भी को चीज को अट्रैक्ट कर लेगा तो वो मैग्नेट है, बट ऐसा नहीं होता। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर वो पर्टिकुलर दूसरी मैग्नेट को रिपेल करता है तो वो मैग्नेट है सब्सटेंस, ठीक है। अट्रैक्ट करने पे श्योरेस्ट टेस्ट नहीं होता कि वो मैग्नेट है। सो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट, मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। ऑल्सो इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब एक मैग्नेट मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करती है और मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट करती है, पर आयरन मैग्नेट तो नहीं है, ठीक है ना। आयरन मैग्नेट तो नहीं है तो अट्रैक्शन तो श्योरेस्ट टेस्ट होगा नहीं। हाउएवर अ मैग्नेट कैन रिपेल अनदर मैग्नेट ओनली। तो और दूसरी मैग्नेट एक मैग्नेट ही होती है जो दूसरी मैग्नेट को रिपेल करती है, ठीक, समझे बात। अट्रैक्ट वो आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकती है, दूसरी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकती है, बट रिपेल किसको करेगी, मैग्नेट को ही रिपेल करेगी, ठीक है ना। तो रिपल्शन श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म को शो करने का, अट्रैक्शन नहीं होता। सो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सो देयर आर नाउ विल स्टडी डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। कुछ डेफिनेशंस हैं मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड, सो विल स्टडी इट वन बाय वन। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जस्ट लाइक वी स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब एक सपोज दिस इज अ मैग्नेट, इसके अराउंड कुछ स्पेस होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स को दूसरी मैग्नेट क्या कर पाएंगी, एक्सपीरियंस करवाएंगी। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एक एरिया है सराउंडिंग दैट मैग्नेट, है एक स्पेस है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन। अगर उसका सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा एक पर्टिकुलर स्पेस में तो हम बोलेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। हम जनरली जब डेरिवेशन करते हैं ऑलमोस्ट हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय दिस, इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूनिफॉर्म फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन, एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और इन टू द प्लेन ऑफ पेपर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक पोल्स। अब बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। बट इसमें थोड़ा चेंज है अब एक, ठीक, क्या चेंज है। These are the region of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum. ये तो हमें पता है poles पे क्या होता है, एक points हैं जहाँ magnetic attraction क्या होता है, maximum होता है। But the poles lie somewhat inside the magnet and not at geometrical ends. अगर suppose ये magnet है तो poles बिल्कुल इसके end पे नहीं होता, कुछ इसके अंदर होता है, कुछ inside point पे होता है, ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं। सो लुक एट दिस, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, हेयर इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ है नॉर्थ एंड साउथ पोल, ज्योमेट्रिकल एंड पे नहीं है, इसके कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एक्सिस। सो जो एक्सिस नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। सो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इक्वेटर। सो द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट एट एंड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या है, एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लेंथ। सो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? इन दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की जो लेंथ है दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इन दोनों पोल्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। और पूरे मैग्नेट की जो डिस्टेंस है, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस, पोल्स मैंने कहा कुछ अंदर की साइड होते हैं, कॉर्नर्स पे नहीं होते एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। सो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्रिक लेंथ, एंड डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ इज समवट
लेसर देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होता है मैग्नेटिक लेंथ से, या ऐसा बोल सकते हैं मैग्नेटिक लेंथ इज स्मॉलर देन द लेसर देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ, एंड इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड द ज्योमेट्रिकल लेंथ इज 0.84. जो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो है दैट इज 0.84. सो नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो जैसे हमने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था, सेम है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ. वहां क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, दो चार्ज Q1, Q2. यहाँ क्या है, दो पोल्स हैं, पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ और साउथ पोल का स्ट्रेंथ, उसको पोल स्ट्रेंथ को हम M से डिनोट करते हैं. ग्रेविटेशन में पढ़ा था हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. बेटा ये M1, M2 है, ये मास नहीं है यहाँ, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है. मतलब नॉर्थ पोल एक और दूसरा साउथ पोल एक, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ दूसरा साउथ पोल की स्ट्रेंथ, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर उसको क्लब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एंड वट इज के हेयर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी. और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10^-7, या म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ये आपको यूनिट उसका याद होना चाहिए, कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी का भी यूनिट पूछा जा सकता है. सो दिस इज द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पढ़ा था, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स का. एंड वेक्टर फॉर्म द फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर इनटू r कैप वेक्टर. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. अब हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ऐसे ही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, ठीक है. हमने वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था और डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे. So what is magnetic dipole? An arrangement of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a finite distance is called magnetic dipole. वहाँ क्या था? Electric dipole क्या होता है? दो चार्ज, equal and opposite charge separated by some distance. तो हम उसको electric dipole बोलते थे. Just like this, magnetic dipole में क्या है? Magnetic poles, north south pole, equal और opposite strength के होंगे. एक north pole होगा, एक south pole होगा, उनका strength equal होगा. और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं. तो ये एक तरह से क्या काम करता है, मैग्नेटिक डायपोल का. तो बार मैग्नेट एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल भी बोला जा सकता है, क्लियर. अब मैग्नेटिक डायपोल पढ़ा, तो व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ. अब वहां याद करिए, वहां क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे पी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2L, पढ़ते थे ना, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L. क्यू इज द चार्ज, आइदर चार्ज दोनों में से जो डायपोल है उसका कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है. यहां भी यही है, यहां मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ. वहां क्या होता रहा, चार्ज, यहां क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है. आइदर नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ या साउथ पोल का स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 2L. 2L इज द मैग्नेटिक लेंथ डिस्टेंस. सो यहाँ पर मैंने L वेक्टर क्यों लगाया है, इसका भी डायरेक्शन है. जैसे उसका मैग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पढ़ते थे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट लाइक इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नाउ जब हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमने बोला बार मैग्नेट एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है ना. एक अगर बार मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, वो एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल है. अगर मेरे पास करंट कैरिंग लूप है वो भी मैग्नेटिक डायपोल का काम करता है. अगर सपोज हमने सर्कुलर लूप पढ़ा था और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है, वो भी एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल का काम करता है. हम कैसे बोल सकते हैं उसको मैग्नेटिक डायपोल, और उस मैग्नेटिक डायपोल है तो वो मैग्नेट है. अगर मैंने बोला करंट कैरिंग लूप एक तरह का मैग्नेट है, तो मतलब उसका नॉर्थ और साउथ पोल भी होना चाहिए. और हमने इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी मैंने आपको बताया था क्लॉक रूल से निकाल सकते हैं. तो एक बार फिर पढ़ते हैं ये इसको, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल. सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सर्कुलर लूप एट लार्ज डिस्टेंस. मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से लार्ज डिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उसकी क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है. अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डायपोल से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या पढ़ा था, 1/4 epsilon 2π/r³. और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट 2IA/4π r³. सो r पे डिपेंडेंस कैसे है, दिस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³.
So this means the magnetic field from circular loop also behaves like magnetic dipole. ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला था, ये मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप सर्कुलर लूप का फॉर्मूला था, ठीक। हमें ये तो पता है सर्कुलर लूप की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो एक तरह से सर्कुलर लूप मैग्नेट का काम करता है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ वी हैव नोटेड दैट बोथ हैव द सेम डिपेंडेंस ऑन आर, मोर ओवर दे हैव सेम डायरेक्शन एट एनी फार पॉइंट, नॉट जस्ट एट जस्ट एज जस्ट ऑन एक्सिस। सो एनी फार पॉइंट पे इन दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। सो दिस सजेस्ट दैट The circular current carrying loop behaves as a magnetic dipole of magnetic moment this. तो circular current carrying loop भी क्या होता है, एक magnetic dipole का काम करता है, जिसका magnetic moment कैसे निकालते हैं, जिसका magnetic moment की value होती है I multiply by A. Dipole moment की value क्या आती थी, current की जगह क्या होता था charge और area की जगह क्या होता था length। यहाँ पर क्या है, magnetic dipole moment में current multiply by area, वहां क्या होता था electric field में charge multiply by length। So this is मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट। सो इन अ वेक्टर नोटेशन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस, एम इज इक्वल टू आई इन टू ए, वेयर ए इज नाउ द एरिया वेक्टर, ठीक है ना, ए इज नाउ द एरिया वेक्टर। अगर ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर करंट लूप में, तो इसका एरिया का वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, एंड द यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट इज इन एम्पियर, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो उसका डायरेक्शन देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इज गिवन बाय क्लॉक रूल। सो एक करंट कैरिंग लूप है, हमने उसको पहले भी पढ़ा था, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। मैंने आपको सोलेनॉइड में भी ये बात बताई थी कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप इस फेस से देखेंगे अगर हम, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। अगर आप जिस फेस की साइड से देखेंगे उसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मींस दिस फेस इज साउथ पोल एंड अनदर फेस इज नॉर्थ पोल, ठीक है, और अगर यहीं से देखेंगे यहां एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सो दिस फेस विल बी नॉर्थ पोल और इसके दूसरे वाला साउथ पोल। तो एक करंट कैरिंग लूप में भी नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, दैट मींस दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेट। सो व्हेन वी लुक एट एनी वन साइड ऑफ लूप कैरिंग करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट साइड ऑफ लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड इफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द साइड ऑफ लूप बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक साउथ पोल। सो यहां से भी आप देख सकते हैं इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका जो ऊपर वाला फेस होगा, सपोज ये है ऐसे, ठीक है, तो इसका यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर वाला फेस कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा, और नीचे वाला फेस कैसा होगा, साउथ पोल होगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर लूप। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, करंट कैरिंग लूप भी एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल कितना होता है, आई मल्टीप्लाई बाय ए, करंट कैरिंग इन करंट फ्लोइंग इन दैट लूप मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दैट लूप। सो द करंट कैरिंग लूप ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब करंट है, ठीक है, तो वही सेम चीज होगी, करंट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो भी तो एक मैग्नेटिक डायपोल का काम करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट मींस चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक तरह से उसका भी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कल में, उसका भी अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है हमने, इसमें उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। सो द यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप विद अ डायपोल मूवमेंट आई मल्टीप्लाई बाय ए। सो एक तरह से क्या है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड, सो दैट इज इक्वलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप विद अ डायपोल मूवमेंट आई इनटू ए। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, सो इट इज इक्वलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ स्पीड वी एंड टाइम पीरियड टी। सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड द न्यूक्लियस, और उसका रेडियस कितना है आर,
ठीक है, रेडियस आ रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मींस करंट कैसे मूव कर रहा है, यहाँ आई लिखा हुआ है, दैट मींस करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मींस करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एक तरह से ये सर्कुलर लूप जैसा एग्जाम्पल हो गया। सो द इक्विवेलेंट करंट, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट उससे ऑपोजिट मूव करेगा कितना, क्लॉकवाइज। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हेयर द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन ई अपॉन टी, चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई अपॉन टी। और टाइम कितना होगा उसको एक रेवोल्यूशन करने में न्यूक्लियस के अराउंड कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सर्कुलर पाथ में, अगर आर रेडियस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr डिवाइड बाय उसका कितना स्पीड है, वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, वी स्पीड है, स्पीड तो सेम है कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, तो आई का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई वी बाय 2πr, एंड वी नो द एरिया ऑफ लूप, जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है उसका एरिया कितना होगा, सर्कुलर पाथ है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली हायर क्लासेस में आप कभी कॉलेजेस में पढ़ेंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लगेगा एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। ठीक है, स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन भी होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, उसमें हमें नहीं जाना, अभी ये ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट हो रहा है, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसका नाम इसलिए हमने रख दिया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इट्स दिस ऑर्बिटल पाथ। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू एल से, ठीक है, वेयर एल डिनोट्स दिस ऑर्बिटल वर्ड, अगर यहाँ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो म्यू एस होता, एल का एल किससे डिनोट करते हैं हम, ऑर्बिट से, सो म्यू एल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक, वैसे हम सर्कुलर लूप का हमने मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम से डिनोट किया था आई इन टू ए, हम ऑर्बिटल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एल दैट इज आई इन टू ए। अब करंट की वैल्यू भी पता है मुझे और एरिया की वैल्यू भी पता है, सो यहाँ से म्यू एल कितना निकल के आया मेरे पास, ई वी आर बाय टू, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस डिवाइड बाय टू, एंड वेयर इज दिस म्यू एल, दिस म्यू एल इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दिस म्यू एल इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, कैसे पता लगा, इस आई की डायरेक्शन देखो, आई की डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, आई की डायरेक्शन ऐसे है, तो म्यू की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये म्यू एल की डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, ये नॉर्मल टू द सॉरी इन पैरेलल टू दिस एरिया वेक्टर, और वी कैन से दैट नॉर्मल टू दिस एरिया, एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया होता है, सो करंट इस डायरेक्शन में है तो म्यू एल की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपको डायरेक्शन देखो, ये म्यू एल की डायरेक्शन दी हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिखा है मैंने एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सो ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, एंगुलर मोमेंटम अपने केमिस्ट्री में बोहर्स थ्योरी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपको 8th यूनिट में बोहर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, एल इज इक्वल टू एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर और एल की डायरेक्शन क्या होगी, इस केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली वी क्रॉस आर होता है, ठीक है ना, एम आर क्रॉस वी या वी क्रॉस आर होता है, जनरली क्या होता है एम वी क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है, और आर क्या है, यहाँ रेडियस है, तो आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन कहाँ है, ये आर वेक्टर है और ये वेलोसिटी का वेक्टर है, दैट मीन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का वेक्टर है, तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल, म्यू एल नीचे की डायरेक्शन में और एंगुलर मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैं म्यू एल डिवाइड बाय एल करूंगा, अगर मुझे एल की भी वैल्यू पता है, मुझे म्यू एल की भी वैल्यू पता है, सो म्यू एल डिवाइडेड बाय एल विल गेट ई बाय टू एम, ई बाय टू एम, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, एंड वट इज द डायरेक्शन, वी नो दैट फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट म्यू एल एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो जब हम उसको वेक्टर की टर्म्स में बात करेंगे तो म्यू एल बाय एल की वैल्यू आ गई ई बाय टू एम, सो म्यू एल वेक्टर इज माइनस ई बाय टू एम इन टू एल वेक्टर, एंड दिस माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन सेंस, ये एल एंगुलर मोमेंटम और ये म्यू एल क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस साइन आया, एंड दिस रेशियो म्यू एल अपॉन एल जो मैंने निकाला, इसका रेशियो कितना आया ई बाय टू एम, इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, और सम प्रोनाउंस इज दैट जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो इज
Meanwhile, by L, that is equal to E by 2m. And negative sign shows the direction of L is opposite to mu L. अब आपने केमिस्ट्री में बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है nh by 2 pi, where n is just an integer. N क्या है? Integer है 1, 2, 3, 4, 5 value. So according to Bohr's quantization condition, angular momentum is equal to nh by 2 pi. And what is Bohr's quantization condition? कि electron will revolve only in those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. Where what is this h? H is the Planck's constant. आगे के chapters में आपको बताऊंगा. अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना. ये जो h है, एक ये constant होता है. इसको हम Planck's constant बोलते हैं. ठीक है? तो अगर इस l की value मैं यहाँ put करूँगा, इसका magnitude में इस L की वैल्यू यहां पुट करूंगा एन एच बाई टू पाई, सो वी गेट म्यू एल इक्वल टू एन ई एच बाई फोर पाई एम. मेरे पास म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन ई एच बाई फोर पाई एम. मैंने क्या किया, म्यू एल बाई एल जो निकाला था उसमें L की वैल्यू बोहर्स क्वांटाइजेशन के कंडीशन के यहां इसमें वैल्यू पुट कर दी, और म्यू एल जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू आई एन ई एच बाई फोर पाई एम. ठीक है? अगर मैं इस एन की वैल्यू वन डालू, इसका मतलब क्या है कि दिस गिव्स द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. सो nth ऑर्बिट में मतलब न्यूक्लियस के अराउंड nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा. यही हमने निकालना था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है. अब हमें सपोज किसी ने बोला कि सेकंड ऑर्बिट में बताओ कितना मूव कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 डाल देंगे. फर्स्ट ऑर्बिट में बताओ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, सो फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1 डाल देंगे. तो n इज इक्वल टू 1 डाल के मेरे पास ये वैल्यू आती है eh by 4 pi m. और इस eh by 4 pi m वैल्यू को मैं म्यू बी से डिनोट करता हूं. ये म्यू एल ही है, ठीक है, बस को एक डिनोट करने का तरीका है म्यू बी, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन. सो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन. तो एक तरह से ये हाइड्रोजन एटम ही है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. क्लियर? सो व्हाट इज बोहर मैग्नेटोन? जब हम एन की वैल्यू वन डालते हैं तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को, जब हम एन की वैल्यू वन डालते हैं तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जो कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज बोहर्स मैग्नेटोन, दैट इज बोहर्स मैग्नेटोन. सो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसमें हमने दो टर्म पढ़ा है, एक बोहर मैग्नेटोन और दूसरा गायरो मैग्नेटिक रेशियो. ठीक है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो पढ़ा है और बोहर मैग्नेटोन पढ़ा है. और यहां से हमने क्या सीखा कि जैसे कि एक करंट कैरिंग लूप, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है. सिंपली क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है वो भी तो एक तरह से क्या है कि करंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है ये वैल्यू होती है. अगर एन को वन डाल देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोहर मैग्नेटोन. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पर ई भी कॉन्स्टेंट है, एच क्या है, मैंने बोला प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 34. ठीक, आगे के यूनिट्स में इसको पढ़ेंगे. 4 कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंट, तो इन सब की वैल्यू डालेंगे तो बोहर मैग्नेटोन की हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. ये वैल्यू किसकी आती है, बोहर मैग्नेटोन की. बोहर मैग्नेटोन जनरली एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ही है, तभी तो इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आया. ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन का, कब, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, जब n इक्वल टू 1. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.